अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ऑल वेल ना। आज हम बात करेंगे कल के मैच के बारे में, क्योंकि एशिया कप का सुपर फोर का मैच हो रहा है कल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। तो कल के मैच में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहेगी वो रहेगी बारिश। बारिश जितना पीछे रहेगी उतना मैच में मज़ा आ जाएगा। बारिश जितना इंटरफेयर करने की कोशिश करेगी एक्साइटमेंट और मैच का मज़ा उतना उतना कम होता जाएगा। अगर बारिश के बाद कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है वो होगा टॉस। जो भी कैप्टन रोहित शर्मा या बाबर आजम जो भी कल टॉस जीतेगा, मेरे ख्याल में वो फील्डिंग ही पहले करेगा, क्योंकि बैटिंग सेकंड अगर वो करते हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन खुला रहता है कि वो DLS मेथड जो है उसको साथ लेके चल सकते हैं। आपको क्या लगता है कौन कल जीतेगा? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैच 60-40 रहेगा इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। उसका रीज़न ये रहेगा कि पाकिस्तान के पास अभी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो लीथल है। हारिस रोप बिल्कुल रॉकेट फेंकते जा रहे हैं, किसी भी बैट्समैन के पास कोई जवाब ही नहीं है। इंडिया के पास एज ये रहेगा कि हार्दिक पांड्या कैसे चलते हैं। टॉप ऑर्डर अभी उनका फ़िलहाल पाकिस्तान के खिलाफ फेल ही हो रहा है, लेकिन कभी भी, क्योंकि बड़े प्लेयर है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, अगर वो क्लिक कर गए तो पाकिस्तान के लिए भी फिर मुश्किल रहेगा। अगर टीमों के बारे में बात करें तो टीम पाकिस्तान की थोड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है ऑन पेपर, क्योंकि अभी इन फॉर्म है उनके फास्ट बॉलर जो है नसीम शाह, शाहिन शाह, हारिस रऊफ। बैटिंग डिपार्टमेंट बाबर आजम, इमामुल हक अपनी टॉप क्लास फॉर्म में है अभी। इंडिया के पास थोड़ा बहुत ये स्लाइटली ये है कि उनका टॉप ऑर्डर अभी क्लिक नहीं कर रहा है, इसी वजह से एज जो है पाकिस्तान के साइड फेवर में रहेगा। अदरवाइज़ हम बात करें, एक साइड से बाबर है, एक साइड से विराट है, रोहित शर्मा, इमामुल हक, तो शादाब खान, जडेजा, हार्दिक पांड्या। थोड़ा ये है कि हार्दिक पांड्या इंडिया की टीम में थोड़ी जान डाल देता है। ओवरऑल अगर हम बात करें, मेरे ख्याल में मैच कल पाकिस्तान के फेवर में रहेगा। तकरीबन 60% पाकिस्तान के फेवर में रहेगा, 40% इंडिया के फेवर में रहेगा। मगर अगर इंडिया का टॉप ऑर्डर क्लिक कर गया तो फिर दिक्कत होगी और टॉस भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो लेट्स होप एक अच्छी गेम हमें देखने को मिले और बारिश कोई रुकावट ना लाए। हम दुआ ये करेंगे कि कल कोलंबो में बारिश ना, क्योंकि हम पूरा मैच देखना चाहते हैं। मैच फिर जो भी टीम जीते, ऑब्वियसली वही टीम जीतेगी जो कल के दिन में अच्छा प्रेशर हैंडल करेगी, मगर बारिश सामने नहीं आनी चाहिए। ओके, आप भी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपके ख्याल में कौन जीतेगा। अल्लाह हाफिज़।